हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास रजनी स्टिचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने आपको अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग और सिलाई सिखाई थी, और इस वीडियो में उसके ऊपर हम ये स्लिट वाली कुर्ती और ये कुर्ती अम्ब्रेला प्लाजो पे बहुत अच्छी लगती है, तो इसकी कटिंग इस वीडियो में सिखाएंगे। इसी कपड़े से हमने अपना अम्ब्रेला प्लाजो बनाया, तो चलिए अब कुर्ती की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम टू फोल्ड कपड़ा ले लेंगे लंबाई की तरफ से, क्योंकि हमें डिज़ाइन भी देखना है, और फिर इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे जैसे वीडियो में दिख रहा है, और इसका हम टॉप पार्ट निकाल लेंगे। टॉप पार्ट हमारा 14 इंच होगा, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे हम सिलाई के लिए, तो 15 इंच हम लेंगे टॉप पार्ट अपना, और ये हमने 15 इंच ले लिया है। बिल्कुल बराबर लेना है कपड़े को, 4 फोल्ड करना है। ये इस तरीके से 4 फोल्ड कपड़ा है, और अब हम इसका बंद वाली साइड से हम कंधे का निशान लेंगे, तो कंधा हमारा 6 इंच रहेगा। और आर्म होल हम लेंगे 6.5 इंच, साढ़े छः या 7 इंच आप ले सकते हैं आर्म होल। और जितनी भी हमारी चेस्ट है उसका हम 4 पार्ट करके, और उसमें 2 इंच हम सिलाई के लिए प्लस करेंगे इसमें, तो हमारी चेस्ट 38 है, तो उसका 4th पार्ट होगा 9.5 इंच, और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 11.5, तो हम 12 इंच ले लेंगे चौड़ाई कपड़े की। और इस तरीके से हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। कपड़े की चौड़ाई हम 12 इंच लेंगे 2 इंच मार्जिन के लिए, और यहाँ पे हम आर्म होल की तरफ एक बॉक्स बना लेंगे, जैसे हमने और कुर्तियों में किया है उसी तरीके से करना है। डेढ़ इंच पे हम आर्म होल की गुलाई देंगे बैक पार्ट के आर्म होल की, सेंटर पे लगाएंगे। जितना भी हमारा आर्म होल है उसका पहले हम सेंटर निकालेंगे, फिर हम गोलाई देंगे। तो 6.5 इंच हमारा आर्म होल है, तो उसका सेंटर आएगा 3.5 के आसपास, 3 से थोड़ा सा 2 पॉइंट ऊपर, और इस तरीके से गोलाई दे देंगे। और अब हम फ्रंट पार्ट की गोलाई देंगे, तो 1/2 इंच हम अंदर की तरफ ले जाएंगे फ्रंट पार्ट में, फ्रंट पार्ट में हम 1/2 इंच अंदर की तरफ गुलाई देते हैं, ताकि हमारे जब बाजू वगैरह लगाएं तो वो झोल ना पड़े। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े को उठाना नहीं है, बिल्कुल आराम से हमें कटिंग करनी है। अगर हम कपड़े को उठा के कटिंग करेंगे तो कपड़ा मतलब हमारा हिल जाएगा और कटिंग हमारी बेकार हो सकती है। अब हम कंधे की कटिंग करेंगे, शोल्डर की। तो पहले हमने अपने बैक पार्ट की कटिंग करी है, अब हम ये दोनों पार्ट अलग कर देंगे, बैक एंड फ्रंट पार्ट।
और अब हम आपने ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है और अब हम अपने फ्रंट पार्ट में जो हाफ इंच की गोलाई दी है अंदर की तरफ उसकी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमें अंदर की तरफ हाफ इंच की गोलाई देनी है। अब हम अपने बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बॉटम पार्ट हम अपना 28 इंच लेंगे क्योंकि हमारी कुल लंबाई हमारी 40 इंच है, उसमें से 14 इंच हमने अपना टॉप पार्ट निकाला है तो बचा हमारा 26 इंच और उसमें से 2 इंच हमने प्लस किया है सिलाई के लिए नीचे मोड़ने के लिए, इसलिए हम 28 इंच हम अपना बॉटम पार्ट लेंगे। इस तरीके से हमें बिल्कुल बराबर 28-28 इंच पे निशान लगाना है नीचे की तरफ। इस तरीके से हमें ऊपर से, यहाँ आप देख सकते हैं कैमरे में दिख रहा होगा वीडियो में, इस तरीके से हमें 28-28 इंच पे बिल्कुल बराबर निशान लगाना है। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस तरीके से हम बिल्कुल 28-28 इंच में नीचे से बराबर निशान लगा देंगे बॉटम पार्ट में। ये हमने सीधी एक लाइन खींच ली है 28 इंच पे। और अब हमारा जो टॉप पार्ट है उसका एक पार्ट लेके बंद वाली साइड हमें बंद वाली साइड रखनी है और खुली वाली साइड हमें खुली वाली साइड की तरफ रखनी है। इस तरीके से रखना है। हाफ इंच हम ऊपर चढ़ा के रखेंगे ये। इस तरीके से हमारी कुर्ती तैयार होगी। जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है इसी तरीके से हमें रखना है अपना टॉप पार्ट। और यहाँ से हम इस तरीके से प्लेट लेंगे, अंदर की तरफ प्लेट डालेंगे ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। साढ़े सात इंच के करीब हमारी कपड़ा बच रहा है, 7.5 या 8 इंच, तो हम 7.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। और यहाँ से हम ए लाइन शेप में कटिंग कर देंगे ऐसे। इस तरीके से मैं तिरछा हल्का सा निशान लगाना है ताकि हमारी स्लिट अच्छे से मुड़ सके। और ये हमने हल्का सा तिरछा निशान लगाया है
अगर आपको ज़्यादा प्लेट लेनी है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये हमने स्लिट मोड़ने के लिए हल्का सा तिरछा निशान लगाया है। और अब हम अपने बॉटम पार्ट की कटिंग कर देंगे। और अगर फ्रेंड्स आपने अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग और सिलाई का वीडियो देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाके देख सकते हैं। अब वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अब हम नीचे वाले पार्ट से भी की कटिंग कर देंगे। ये हमारे बॉटम पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। ये फोर पार्ट निकले, दो पार्ट निकले हैं, आगे का और बैक का। तो हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। ये हमारे टॉप पार्ट है बैक एंड फ्रंट, और ये बॉटम का पार्ट है बैक एंड फ्रंट। तो इस कुर्ती की सिलाई हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। और इसकी स्लीव्स भी बहुत ही अच्छी डिज़ाइन की है, वो भी हम सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching my video. Bye bye.